नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कर्नाटक संपदा, ये जो निबंध है, उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस निबंध के माध्यम से छात्रों को यहाँ के अतीत वैभव, यानी कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्राकृतिक संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करना है। कर्नाटक अपने आप में एक बहुत ही अनोखा राज्य है। कर्नाटक अपने आप में एक बहुत ही महान राज्य है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आबोहवा, यहाँ के संस्कार अपने आप में निराले हैं। ओके, तो इस कर्नाटक संपदा में हम कर्नाटक की बहुत सारी चीजों से अवगत होंगे। तो आइए अब हम इस निबंध को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कर्नाटक राज्य भारत देश का एक प्रगतिशील राज्य है, ठीक है। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण से उत्तर तक पर्वतमालाओं को पश्चिम घाट कहते हैं। इसके कुछ भाग को सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ भाग को हम सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटक की जो मुख्य भाषा है वो कन्नड़ भाषा है। यह शिक्षा के साथ साथ बड़े उद्योग धंधों का केंद्र है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ पे बड़े बड़े आईटी कंपनीज हैं। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL जैसी बड़ी संस्थाएं हैं। इस राज्य को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे महान विभूति पैदा हुए हैं, जिसने सिर्फ कर्नाटक राज्य का नाम ही नहीं बल्कि भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन किया, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने महानता के द्वारा, अपने उच्च कर्मों के द्वारा। विद्यार्थी इन चीजों को पढ़ करके बहुत सारे अच्छे गुण को अपने में समाहित कर सकते हैं। मैं भी यहाँ काफी दिनों से हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ एक चीज सीखा है कि आप अपने काम में तल्लीन रहिए, आप अपने काम में लगे रहिए और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे महान विभूति पैदा हुए हैं जिन्होंने कर्नाटक का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं सर CV रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी, ठीक है, नारायण मूर्ति, ठीक है। इन महान लोगों ने कर्नाटक को पूरे विश्व में चमकाया है, कर्नाटक को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलवाई है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा इसे, सन 2013 में यानी 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस राज्य में सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, उपयोगी धातुएं मिलती हैं, ठीक है। भद्रावती में कागज और लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। यहाँ चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसे चंदन का घर भी कहा जाता है। चंदन से तेल, साबुन और अनेक प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। ओके, कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि कई बड़ी नदियां बहती हैं, जिन पर बांध बनाए गए हैं और इन बांधों से हजारों एकड़ जमीन को पानी मिलता है। हम इन नदियों के जलाशय से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी एनर्जी प्राप्त करते हैं। यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं जोर, अब्बी, गोकाक, शिव समुद्रम इत्यादि। कर्नाटक राज्य की शिल्प कला अपने आप में अनोखी है। बादामी, ऐहोले, सोमनाथपुर के मंदिरों की पत्थर की मूर्तियां एकदम सजीव लगती हैं। ऐसा लगता है उन्हें देखने से जैसे वो हमसे बातें कर रहे हों, ठीक है।
ये मूर्तियां रामायण महाभारत और पुराणों की कहानियां हमें सुनाती हैं। श्रवण बेलगोला की 57 फुट लंबी एक शिला मूर्ति त्याग और शांति का हमें संदेश देती है, यानी त्याग और शांति का हमें मैसेज देती है। बीजापुर में गोल गुंबद की गैलरी वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगमोहन आर्ट गैलरी पुरातत्विक संग्रहालय हैं। ओके, गंग कदम्ब राष्ट्रकूट चालुक्य होयसल ओडियार आदि राजवंशज और कृष्णदेव राय मदकरी नायक रानी अबक्का कित्तूर रानी चिनम्मा टीपू सुल्तान आदिल शाह जैसे महान शासक यहीं पर आए थे। कर्नाटक में अनेक साहित्यकार हैं, वचनकार बसवन्ना, क्रांतिकारी समाज सुधारक। ओके, ध्यान से सुनिएगा इसे। वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्कमह देवी सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने वचनों से प्रेम दया और धर्म की हमें शिक्षा दी है। ओके, पुरंदरदास कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति नीति और सदाचार के पाठ हमें पढ़ाए हैं। पीप रन पुन्न कुमार व्यास हरिहर राघवांत आदि ने काव्य की रचना कर कन्नड़ साहित्य को बहुत ही ज्यादा समृद्ध बनाया है। ओके, उसके बाद कुवेंपु शिवराम कारंत मास्ती वेंकटेश अयंगार। ओके, यू आर अनंत मूर्ति गिरीश कर्नाड चंद्रशेखर कंबार आदि साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। यह कन्नड़ भाषा संस्कृति और कर्नाटक के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो इस तरह से मैंने हमारे राज्य कर्नाटक में के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। आशा करती हूँ कि मैंने जो ये जानकारी आपको दिया, ओके, ये आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।